तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे देश में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय के द्वारा CAA लागू कर दिया गया है। अब CAA से होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं कि CAA से संपूर्ण भारतवासियों को मोदी जी के सामने अपनी नागरिकता बतानी होगी। ठीक है, ये बता मतलब सरकार के सामने कुछ ऐसे दस्तावेज रखने होंगे जिससे कि सरकार आपको समझ सके, पहचान सके कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। समझ रहे हैं बात को। अब इस नए नागरिकता कानून से कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ भी है, और तकलीफ उन्हीं को है जो गैर मुल्कों से घुसपैठिए तरीके से भारत में आके रह रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने यह भी कहा है कि जो दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भारत में गैर मुल्कों से आए हुए हैं घुसपैठिए तरीके से या फिर किसी तरह से प्रताड़ित होकर, प्रताड़ना झेलकर, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो 2014 के बाद आए हैं, चाहे वो 15 में आए हों, 16 में आए हों, ठीक है, 20 में आए हों, 22 में आए हों या अभी अभी आए हों, तो उन्हें नागरिकता भैया नहीं दी जाएगी। उन्हें या तो मेहमान बना के रखा जाएगा, थोड़ा स्वागत किया जाएगा, या फिर उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि जो दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भारत में आए हैं घुसपैठिए तरीके से या फिर किसी तरह से प्रताड़ित होकर दूसरे देशों से भारत में आए हैं, उनमें भी किन समुदायों को मतलब नागरिकता दी जाएगी, हिंदुओं को दी जाएगी या फिर मुसलमानों को दी जाएगी। तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो भी गैर मुस्लिम समुदाय होंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ठीक है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यदि मुसलमान है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कुल मिला के कहें तो हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, आखिर देश में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू करके सरकार चाहती क्या है, सरकार का मेन मोटिव क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि सरकार जो है रोजगार देने से बचना चाहती है। ठीक है, सरकार चाहती है कि चुनाव आ गया है, अब हिंदू मुस्लिम का जो है झगड़ा लगाया जाए, उलझन पैदा किया जाए, ताकि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा जो है दबा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसके पहले NRC लागू हुआ था, आपने देखा किस प्रकार से 40 लाख हिंदू अपनी नागरिकता गवा दिए, यानी 40 लाख हिंदू ही अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए भारत में। ठीक है, लेकिन सरकार जिन लोगों को बाहर करना चाहती थी नागरिकता से, वो लोग तो हुए ही नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने एकदम बेशर्मी से CAA लागू कर दिया। ठीक है, अब देखना इसमें हिंदू मुस्लिम का एक जबरदस्त उलझन पैदा किया जाएगा, कुछ मुस्लिम नेता बैठकर भाषण करेंगे, कुछ हिंदू नेता बैठकर भाषण करेंगे। ठीक है, और दिन रात यही दिखाया जाएगा, 2024 का पूरा इलेक्शन सिर्फ हिंदू मुस्लिम और घुसपैठिए के आधार पर, उनके नाम पर लड़ा जाएगा। इसमें शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई एकदम जल के भस्म हो जाएंगी। ठीक है, उनका मुद्दा ही नहीं रहेगा, कहीं ममता चिल्लाएंगे, कहीं मोदी जी चिल्लाएंगे। ठीक है, मैंने आपको एकदम कम समय में एकदम साफ शब्दों में बता दिया है, लेकिन मैं यहाँ एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो जब भी देखा करिए ना, पूरा देखा करिए, क्योंकि पूरा देखेंगे ना तभी आपको पूरी जो बातें होंगी, जो पूरा मुद्दा होगा, जो पूरा मतलब कहना क्या चाहते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा।